गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यान के प्रकांड विद्वानों में राजा जनक और तुलाधार वैश्य। तुलाधार वैश्य ये दो बड़े अच्छे उसके उदाहरण हैं। कहते हैं राजा जनक की सभा में नाच गाने मनोरंजन के सब साधन थे और वो चलते रहते थे, परंतु राजा जनक का मन उनमें नहीं जाता था। वो उस परिवेश में रहते हुए भी उससे विरक्त थे। तुलाधार वैश्य जो पूरी ईमानदारी के साथ अपने काम को करता था, ये उसके उदाहरण है। बहुत से बड़े बड़े गृहस्थ और सन्यासी हुए हैं, गृहस्थ परंतु सन्यासी हुए हैं, जिन्होंने अपना सांसारिक जीवन जीते हुए उन मर्यादाओं में रहकर के अपने जीवन को जिया। श्री सुखदेव जी ने जनक से ब्रह्म विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी और मन को वश में करने का तरीका उन्हीं से लिया था। ये समझना निराधार है और एक भूल है कि मन सदा एक ही बात को सोचेगा, ऐसा संभव नहीं है। और ना वो एक ही स्थान पर टिका रहेगा, ये भी संभव नहीं है। याद रखना, कुछ क्षणों के लिए ऐसी स्थिति प्राप्त की जा सकती है कि जिसमें हम एक स्थान पर अपने मन को रोकने का प्रयास करें। विभिन्न दिशाओं में उसका दौड़ना आवश्यक और अनिवार्य है। मन का निरोध यह है कि सांसारिक घटनाओं के प्रभाव से, उत्तेजना से दिमाग को काबू में ना होने दिया जाए। सांसारिक घटनाएं घटेंगी, उनका प्रभाव जरूर आएगा, अगर मन में उत्तेजना होगी तो दिमाग को काबू में करना आसान नहीं है। कैसी ही विपत्ति आई हो, कैसी ही अप्रिय परिस्थिति हो, मानसिक स्थिरता को कायम रखा जाए, जो कुछ कहा जाए किया जाए,
उसे आवेश पूर्वक नहीं भली प्रकार सोच समझ करके किया जाए। अगर ऐसा किया गया तो आपके अंदर विवेक पैदा होता हुआ चला जाएगा। विवेक पैदा होता हुआ चला जाएगा, याद रखना। शरीर की आंतरिक स्वस्थता, पुष्टि और उन्नति का पहला मार्ग यही है कि विचारों को भली भांति नियंत्रण में रखा जाए। ठगी, बेईमानी, शोषण, हिंसा, अन्याय, अत्याचार, धोखा, ये पापपूर्ण घटनाएं हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, शोक के आवेशों को काबू में करना और उस स्थिति को बाहर ना जाने दिया जाए, ये मानसिक नियंत्रण अनेक गुप्त, प्रकट, दृश्य, अदृश्य रहस्यों को अपने में छुपाए हुए है। सुखों में आसातीत वृद्धि उन संभावनाओं की होती है जो हमें सुख देते हैं। अनायास ही हमारी चेतना उनकी तरफ ललायित होती है और उन गुणों की, उन सुखों की वृद्धि करने के लिए अपनी गति को करती है। बात समझ ना आई हो तो पूछ लीजिए। अगर आप लोगों को जितनी बात अभी तक बताई गई है समझ ना आई हो तो पूछ लें। मैंने ये कहा है मानसिक नियंत्रण व्यक्ति को बहुत जरूरी है। मन और बुद्धि आशातीत सफलताओं को प्राप्त करना चाहते हैं। आशातीत सफलताओं को सब प्राप्त करना चाहते हैं। बस वहीं पर बहक जाते हैं। अपने पर जो नियंत्रण था, अपने पर जो नियंत्रण था वो सुख की वजह से कमजोर पड़ जाता है और व्यक्ति की चेतना उसी तरफ को चली जाती है। ललायित होती है, ललक पैदा होती है उसके अंदर। मैंने भक्त की परिभाषा आपको बताई थी जिससे आप प्यार करते हैं वही भक्ति है। जिससे आपका लगाव है वही भक्ति है। बेटा दोबारा सुनो, नहीं समझ आया तो दोबारा सुनना। आप जप करते हैं, जप गायत्री मंत्र शुरू होता है, माला शुरू होती है, परंतु विचार की दिशा धारा भी शुरू होती है और उसी में शुरू होती है जिससे आपकी चेतना लगाव करती है।
आप उसे एक जगह रोक नहीं सकते। जब तक आपको सही स्थिति की जानकारी नहीं होगी तब तक आप उसको एक जगह पर नहीं रोक सकोगे। ना मन रुकेगा और ना बुद्धि रुकेगी। इसलिए कह रहा हूं आशातीत सफलता को प्राप्त करने के लिए अपने लिए आपको उस विषय को अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा जो हमारे लिए हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। योग साधना आनंद वृद्धि के लिए है, ये प्रत्यक्ष ही प्राप्त होती है। ये प्रत्यक्ष रूप में ही प्राप्त होती है क्योंकि सुख का उद्गम स्थान मन है। सुख का उद्गम स्थान मन है और मन को सुखदायक स्थिति में रखना यही योग है। बेटा नई बात समझ आई हो तो पूछ लो। जब तक आपका उस उद्देश्य में समावेश नहीं होगा, आपकी चेतना का उस उद्देश्य में समावेश नहीं होगा जो अंतर चेतना चाहती है, कुछ होने वाला नहीं है, योग नहीं होगा। परंतु जैसे ही उद्देश्य में जाकर के आप खपने लग जाएंगे उद्देश्य की शुरुआत हो जाएगी। उसके लिए चित्त की वृत्तियों पर काबू पाना बहुत आवश्यक है। चित्त की वृत्तियों पर, चिंतन पर काबू पाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल मृग मृची का है, अगर आप इसके पीछे लगे रहे तो जिस तरह प्यासा ही दौड़ दौड़ करके हिरन मर जाता है, क्योंकि प्यास अंदर की है। महसूस करो, एक हिरन प्यासा है और रात की चांदनी में, चंद्रमा की रोशनी में जो मरुस्थल का रेत है वो पानी की तरह चमकता है, चांदी की तरह चमकता है। और वो क्योंकि अंदर से प्यासा है, वो जल्दी से पानी पीना चाहता है, उसके पीछे दौड़ता है और वो उतना ही आगे आगे बढ़ता रहता है। वो तेजी से दौड़ता है, थकता है, परंतु पानी उतना ही आगे आगे चलने के कारण थक करके चक्कर खा करके गिर जाता है, पानी नहीं मिल पाता, इसलिए वो प्यासा ही मरता है। हमारा चिंतन कुछ इस तरह का हो गया है कि हम सुख की यात्रा करना चाहते हैं, इसलिए चित्त वृत्तियों को काबू में रखना बहुत आवश्यक है। इसी को ही योग कहते हैं। विवेक बुद्धि में मन के आवेशों को रखने से
वो आनंददायक स्थिति प्राप्त हो जाए जिसका रसास्वादन हमारे आराध्य हमारे ऋषि लोग करते हैं। योगी जन जिस रस को पीते हैं उस रस का रसास्वादन हमारे अंदर भी हो जाए। मैंने पिछले दिनों कहा था अंतरात्मा उस प्रेम की प्यास की प्यासी है, एक बूंद केवल अपने रिश्ते से उसको मिल जाए, किसी अपने से उसको मिल जाए। हां बेटी यही बात ठीक लिख रही है नीलम, कुछ भी साथ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जो चैतन्य है वो ही अपना है। ये सुख अपना नहीं है जिसके पीछे हम दौड़ रहे हैं, और उस सुख नहीं आज जो आपकी स्थिति है उस सुख ने ही उस स्थिति को पैदा किया है। उसने बेटा जीवन नष्ट कर दिया। अपनी जिंदगी को देखो, किसी की जिंदगी मत देखो, अपनी जिंदगी देखो। शास्त्र कहता है भोगा ने भोगा व्यमेव भोगा, जो भोग को भोगते हैं वो भोग उन्हीं को ही भोग जाते हैं। इसलिए अपनी चित्तवृत्तियों को उस तरफ ले जाकर के उन पर हमको नियंत्रण रखना पड़ेगा। ये कहने की बात सुनने की बात नहीं है, अंदर से संकल्प आपके अंदर उठे कि ये कमियां मेरे अंदर हैं और मुझे इनको नियंत्रित करना है। तो समझ लेना आपकी कमजोरी दूर होने लग जाएगी। आपकी अपनी कमजोरी दूर होने लग जाएगी, अपने चेतना की कमजोरी को दूर करिए। बहुत आवश्यक है, उसी के लिए ध्यान की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। अब मैं निवेदन करूंगा, समय हो चुका है, ध्यान की तरफ चलें। सविता गायत्री का प्राण
संतान इष्ट लक्ष्य उपास्य संतान प्रकाश ज्ञान प्रज्ञा संतान अग्नि ऊर्जा ब्रह्मशक्ति संतान ब्रह्म संतान वर्चस्व सविता उपास ब्रह्मवर्चस उपास एकत्व अद्वैत साधक का सविता को समर्पण समर्पण विसर्जन विलय साधक सविता एक भक्त भगवान एक एकत्व अद्वैत कुंडली जागरण कुंडली जीवनिषत् कुंडली अंत ऊर्जा कुंडली प्राण विद्युत कुंडली योगाग्नि कुंडली ब्रह्मज्योति सविता शक्ति का कुंडली क्षेत्र में प्रवेश मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का प्रथम चरण कुंडली जागरण का प्रथम चरण मंथन मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन मूलाधार मंथन समुद्र मंथन जीवन मंथन प्राण मंथन अग्नि मंथन 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 से अंत ऊर्जा का संवर्धन अग्निशिखा प्रज्वलन जीवन ज्योत जागरण द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन
ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन मूलाधार मार्ग से सहस्त्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग मूलाधार भूलोक सहस्रार ब्रह्मलोक मेरुदंड देवयान कुंडलिनी आत्मशक्ति जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन उत्थान उत्कर्ष अभ्युदय गमन कुंडलिनी जागरण तृतीय चरण बेधन शोधन जागरण सविता सहयोग से सर्वचक्रों का बेधन मेरुदंड मार्ग के सर्वचक्रों का बेधन प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन चक्रवेद शब्द वेद लक्ष्य वेद वेधन शोधन जागरण षट्चक्रों का जागरण मूलाधार चक्र जागरण स्वाधिष्ठान चक्र जागरण मणिपुर चक्र जागरण अनाहत चक्र जागरण विशुद्ध चक्र जागरण
आज्ञा चक्र जागरण। षटचक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण। सविता सहयोग से योग अग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडली का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्मज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन।
नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, शुद्धता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन संवर्धन जागरण कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंत ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाद जागरण। ब्रह्मज्योत जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण आत्म जागरण। ॐ तं सोमा ज्योतिर्गमया, तं सोमा ज्योतिर्गमया, तं सोमा ज्योतिर्गमया, असतो मा सद्गमया, प्रसतो मा सद्गमया, प्रसतो मा सद्गमया। ॐ मृत्योर्मा मृतङ्गमया, मृत्योर्मा मृतङ्गमया, मृत्योर्मा मृतङ्गमया, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमया, 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 तमसो मा ज्योतिर्गमया। पंचोंकार पंच कुंडली जागरण के पांच चरण। पंचोंकार लिए मुखमंडल पर फिराइए, आंख खोलिए,
गंगा विहार, फिर नेहरू विहार, कल के प्रोग्रामों का समय दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप पूर्ण रूप से प्रचार सभी मिलकर के करेंगे। नहीं, मुहिम की शुरुआत की जा रही है, सब सहयोग करें उसमें, अपना सब प्रचार करें, कोई ना छूटे जो कला ना आए, सब आए। आज की बात संपन्न।